नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात तक चलने वाली कोल्हापुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि वीकली ट्रेन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है श्री छत्रपति शाहू जी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर महाराष्ट्र से अहमदाबाद तक चलने वाली कोल्हापुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 11050 और ये जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक दिन चलती है। कोल्हापुर से ये हर शनिवार को चलती है अहमदाबाद के लिए और 18 घंटे 15 मिनट बाद ये ट्रेन जो है कोल्हापुर से अहमदाबाद की दूरी जो है कवर कर लेती है और इसके तकरीबन 18 स्टेशन से 955 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 52 किलोमीटर पर आवर। ICF कोचिस वाली ट्रेन है। इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है। और अगर बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में तो वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये कोल्हापुर से स्टार्ट होती है, बाद में मीरज जंक्शन होते हुए ये पुणे जंक्शन में पहुंचती है, पुणे जंक्शन के बाद ये कल्याण जंक्शन में पहुंचती है, फिर वसई रोड में पहुंचती है, फिर गुजरात के वापी होते हुए ये ट्रेन जो है सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद जंक्शन, नादियाद होते हुए अहमदाबाद में जाके अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए ये 955 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस का जो मैं टिकट किराया बताऊंगा वो कोल्हापुर से अहमदाबाद तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड AC के कोच हैं, जिसका कोल्हापुर से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 1875 रुपये, जिसमें 1690 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 90 रुपये है। टोटल किराया 1875 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। थर्ड AC के कोच भी हैं, जिसका कोल्हापुर से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 1320 रुपये, जिसमें 1172 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 45 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 63 रुपये है। टोटल किराया 1320 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 505 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 455 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 30 रुपये और टोटल किराया जो है वो है 505 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। और इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बों की बात करें तो 6 जनरल डिब्बे हैं। अगर आपने जाना है इसमें जनरल टिकट लेके तो आपको कोल्हापुर से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया 300 रुपये के करीब पड़ेगा। ये किराया अपडेटेड और सही किराया है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे के टिकट काउंटर से जरूर कंफर्म करें और बाकी अन्य किराए भी रेलवे टिकट काउंटर से या वेबसाइट से जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे कोल्हापुर से अहमदाबाद तक चलने वाली कोल्हापुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं कोल्हापुर से अहमदाबाद तक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रेन है श्री छत्रपति शाहू जी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से हर शनिवार को दोपहर के 1:15 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18 घंटे 15 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है हटकंगले स्टेशन पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:40 के करीब पहुंचती है और 1:40 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 20 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मीरज जंक्शन में दोपहर के 2:05 पर पहुंचती है और 2:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 47 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MRJ। मीरज जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है सांगली रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में दोपहर के 2:22 पर पहुँचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 55 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है सतारा रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:27 पर पहुँचती है और 4:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में रात के 8 बजे पहुँचती है और 8:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 326 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लोनावला रेलवे स्टेशन पर कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है रात के 8:58 पर पहुँचती है
और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 390 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मुंबई चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में रात के 10:32 पर पहुँचती है और 10:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 465 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हुसैन सागर एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। भिवंडी रोड में कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है रात के 11:03 पर पहुँचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 482 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BIRD। इसके बाद वसई रोड महाराष्ट्र का जो आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:40 पर पहुँचती है और 11:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है वापी रेलवे स्टेशन गुजरात में रात के 1:24 पर पहुँचती है और 1:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यह गुजरात का पहला स्टेशन है और 632 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद नवसारी रेलवे स्टेशन गुजरात में रात के 2:18 पर पहुँचती है और 2:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 695 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर रात के 3:30 पर पहुँचती है और 3:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 725 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ST। सूरत जंक्शन के सूरत रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है भारत जंक्शन में पहुंचती है 4:13 पर और 4:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 785 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कोल्हापुर से अहमदाबाद तक चलने वाली कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो वडोदरा जंक्शन गुजरात में 5:11 पर पहुँचती है और 5:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और कोल्हापुर से यहाँ तक की जो दूरी है 854 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। आनंद जंक्शन गुजरात में 5:53 पर पहुँचती है और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 890 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नादिया जंक्शन गुजरात में 6:20 पर पहुँचती है और 6:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 909 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कोल्हापुर से अहमदाबाद तक चलने वाली कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में 7:30 पर पहुँचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 955 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ कोल्हापुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।